उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से लोग ठगी का शिकार हुए हैं। हम खड़े हैं कैमुना क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये इसका ऑफिस है। यहाँ पर व्यक्तिगत सदस्य ऋण, सदस्य समूह ऋण, व्यावसायिक सदस्य ऋण, कृषि यंत्र ऋण, कृषि फसल चक्र सदस्य ऋण, अल्पकालीन सदस्य ऋण, दीर्घकालीन सदस्य ऋण, संयुक्त उद्यम सदस्य ऋण, पशुधन ऋण, इस तरह की तमाम योजनाएं यहां चल रही थी और लोगों से पैसे भी लिए जा रहे थे और उनका पैसा अधिक से अधिक निवेश करके और उनको अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का वादा किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल इस ऑफिस में इस समय यहां पर जो भी इसके MD से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो गायब हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे बात करेंगे। कितना पैसा आपने जमा किया और क्या कह के जमा कराया था? उत्तराखंड से भाजपा से आया हूँ और जो हमारे उत्तराखंड का पैसा है लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए का जो इनकी देनदारी है। पिछले 2 साल से ये लोग हमको बार बार आश्वासन देकर के ये वहाँ से भेजा जा रहा है, जबकि वहाँ जाकर के हमें जो जिसका पैसा जमा है और जो हमारा निवेशक है वो हमें परेशान कर रहा है। यहाँ पे हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कोई फ़ोन रिसीव नहीं करता है। अब जब हम लोग यहाँ बार बार आने के बाद, जब हम परसों आए हैं यहाँ आकर के हमने देखा है यहाँ कोई भी अधिकारी कंपनी का एम्प्लॉय कुछ नहीं है। यहाँ पे सब में ताला लगा रखा है, अंदर कोई भी लोग नहीं है। हम लोग सारे जितने हमारे मेरे साथ के लगभग हम 20 लोग उत्तराखंड से आ चुके हैं, लगभग 600 किलोमीटर से हम लोग आ चुके हैं। हम भूखे प्यासे यहाँ पड़े हैं। हमारी आपसे क्या कह के यहाँ पर पैसा लिया जाता था और अब क्या जवाब दिया? हमें यहाँ लेकर के पैसा लिया जाता कि ये पैसा आपको जो है हम एग्रीकल्चर के रूप में लगाएंगे और उसके बाद में हम ये पैसा आपको रिफंड दुगना करके रिफंड लालच दे करके ये हमारे पैसा, गरीब हम बेरोजगार लोग थे। मैं एक ब्रांड मैनेजर हूँ और हमने भी पैसा यहाँ पर लोगों का लगाया, करीब करीब ये मान के चलिए कि करीब अभी जो है 40 लाख रुपये हमने मतलब लोगों का यहाँ लगाया है और इन लोगों ने हमें ऐसी झूठी खबर दी कि हम आपका पैसा दुगना करके देंगे। लेकिन आज तक वो पैसा जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो हमें वो खाली आश्वासन मिलते हैं यहाँ पर। तो और भी तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं और क्या समस्या? उत्तराखंड के रामनगर से जी। सर वही पैसा लगभग हमारे रामनगर की अपनी 1 करोड़ की लायबिलिटी है जो हमें बार बार आश्वासन दिया जाता है। तो हम यहाँ से पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और हमें हमारा धन वापसी करवाया जाए। क्या कोई FIR वगैरह इस तरह की आप लोगों ने करी है? हमने कल SP मैम के पास गए थे, उनको हमने लिखित रूप में देकर आए हैं कि वह हमारा ये निवेशक है और हमसे जो है पैसा नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने CO को अलीगंज को भेजा है। उसके बाद में आज हम लोग कमिश्नर साहब के पास गए थे, कमिश्नर साहब नहीं मिल पाए हैं। हमारा 4 बजे के या 5 बजे के बाद आज कमिश्नर साहब से मिलने का ही वादा है। हम कहते हैं कि इसका सच का सच और जिसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमियों का पैसा, कितना पैसा इन लोगों ने दिया होगा? हमारे हिसाब से कम इन करोड़ इनका जो है यहाँ कम से कम इन लोगों ने कम से कम 20 से ऊपर 1000 करोड़ रुपये लोगों का देनदारी है। और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम आप आई हैं छोटे से बच्चे को भी लेके, आखिर क्या कारण है, यहाँ क्यों आई हैं आप? मेरा भी सर, मैं मैनेजर हूँ, उत्तराखंड से आई हूँ और क्या नाम कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने भी लोगों का कम से कम नहीं तो सारा पैसा 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगवाया है। अब लोग मुझसे पैसा मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमें नहीं पता आप कहाँ से दोगी, लेकिन हम आपसे वसूलेंगे क्योंकि पैसा हमने आपके हाथ में दिया है। तो हम क्या करें, यहाँ CMD भी नहीं है। मैं BM थी, ब्रांच मैनेजर। तो ये ब्रांच मैनेजर थी जो कि उत्तराखंड में थी और अब इनके ऊपर भी वहाँ के लोगों की करीब करोड़ों रुपए की देनदारी है। परेशान होकर अपने छोटे से बच्चे के साथ यहाँ आई। इस ऑफिस का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये ऑफिस है, यहाँ पर इस समय देखिए कोई नहीं है। इसी ऑफिस में बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, बड़े बड़े प्लान बनते थे, लेकिन अब जब देने का वक्त आया, यानी कि लोगों से वसूली कर ली गई और अब जब देने का वक्त आया तो यहाँ के जो तमाम अधिकारी हैं वो सब फरार हो गए हैं। इसके अलावा हम ऑफिस का और भी आपको नज़ारा दिखाएंगे कि ऑफिस का और क्या हाल है। इस ऑफिस में इस समय कोई नहीं, जो यहाँ पर पैसे जिन्होंने इन्वेस्ट किए थे अब सिर्फ वही लोग यहाँ पर है। पूरा ऑफिस अगर कहा जाए तो खाली है, जो अधिकारी हैं वो फरार हैं। पुलिस भी इनकी अगर कहा जाए फरियाद नहीं सुन रही है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर मैनेजर कभी बैठा करते थे, तमाम बड़े बड़ी डीलें होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं थे। यहाँ GM से लेकर तमाम बड़े अधिकारी बैठते थे, लेकिन यहाँ पर इस ऑफिस के इस सन्नाटे से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब यहाँ पर
कोई नहीं है, जो लोग थे वो अब चले गए हैं और लोगों को आशा है कि शायद पुलिस के द्वारा उनका पैसा मिले। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर बड़े तमाम अधिकारी बैठते थे जिनके मिलने के लिए लोग आते थे, बिल्कुल हाई प्रोफाइल ऑफिस बनाया था, और सीएमडी भी जो हैं इस समय वो फरार हैं। गोरखपुर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से लोग आए हैं, छोटे छोटे गाँवों के लोगों को यहाँ पर ठगा गया है, और इन लोगों की ये आशा है कि पुलिस इनकी मदद करे जिससे इनका जो पैसा है वो वापस आए, और यही इन लोगों की डिमांड है जो जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया है वो अरेस्ट हो। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर। पैसा वापस करो, गरीबों का पैसा।